friends, my name is Umar and you're watching Wrestling TV. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डीन एम्ब्रोस का करियर हो गया है खत्म. डीन एम्ब्रोस वन ऑफ द टॉप स्टार्स है WWE रॉ के और वो अपने शील ब्रदर्स रोमन रेन एंड सेथ रॉलिंस के साथ है. डीन एम्ब्रोस ने टीम अप किया सेथ रॉलिंस एंड जेसन जॉर्डन के साथ अगेंस्ट द टीम ऑफ द बार एंड समोआ जो. पर उस मैच के दौरान डीन एम्ब्रोस को इंजरी हो गई एल्बो में और फिर से डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस पर अटैक किया गया बैकस्टेज और अनाउंस किया गया कि डीन एम्ब्रोस को हॉस्पिटल ले जाया गया है. फिर पता चला कि WWE के बैकस्टेज पीपल ने कहा कि एम्ब्रोस को एल्बो इश्यूज थे, इसलिए वो WWE से कुछ टाइम के लिए जाना चाहते थे बर्मिंगम एलबामा में और ट्रीटमेंट करना चाहते थे अपने एल्बो की, इसलिए रॉ में ये इंजरी एंगल किया गया था. एम्ब्रोस के WWE टाइम ऑफ की वजह से सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस दोनों के फ्यूचर प्लान में बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे. पर दोस्तों अभी अभी खबर आई है कि डीन एम्ब्रोस की इंजरी सीरियस लग रही है. उन्होंने सर्जरी तो करा ली है पर अभी अभी न्यूज आए कि एम्ब्रोस 6 to 9 months के लिए WWE से बाहर होंगे. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डीन एम्ब्रोस बाहर होंगे 6 to 9 months के लिए WWE से. इसका मतलब उनका WrestleMania 34 तो कैंसिल हो गया है. अब बड़ा सवाल है कि क्या डीन एम्ब्रोस SummerSlam 2018 भी मिस करेंगे. दोस्तों डीन एम्ब्रोस रेडी है एक हील टर्न के लिए, एक विलन के लिए. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डीन एम्ब्रोस के ओरिजिनल प्लान थे कि वो WWE उनको हील टर्न कराना चाहते हैं और अटैक करवाना चाहते थे सेथ रॉलिंस को और फिर हमें इन दोनों की मैच WrestleMania 34 में देखने मिल सकती थी. पर अब वो प्लान कैंसिल होते दिख रहे हैं दोस्तों. अब तक डीन एम्ब्रोस के 100% फुल मेडिकल रिपोर्ट के बारे में अपडेट्स नहीं मिली है दोस्तों कि कितना फट गया है उनका ट्राइसेप्स. और अगर WWE डॉक्टर्स ने डीन एम्ब्रोस को अलाउ नहीं किया रेसल करने के लिए तो उनका रेसलिंग करियर अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा खत्म. अब उनका WWE फ्यूचर उनके मेडिकल रिपोर्ट, उनके जल्दी ठीक होने पर और WWE डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट है. अगर सब प्रॉपर हुआ तो डीन एम्ब्रोस अपना कमबैक कर पाएंगे WWE में, नहीं तो उनका करियर हो जाएगा खत्म इंजरी की वजह से. 2017 बहुत ही बेकार रहा शील्ड के बंदों के लिए. सेथ रॉलिंस को इंजरी हुई थी, रोमन रेंस बीमार पड़ गए थे और अब डीन एम्ब्रोस इंजर्ड हो गए हैं. हम बस होप करते हैं, प्रे करते हैं कि द लुनेटिक फ्रिज डीन एम्ब्रोस जल्दी ठीक हो जाए और आ जाए WWE में. अब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे. सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो.